उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर श्रद्धांजलि को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच विवाद हो गया है। जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव जेपी इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें माल्यार्पण करने की इजाज़त नहीं दी। प्रशासन ने अखिलेश यादव को रोकने के लिए उनके घर के आसपास बैरिकेडिंग भी लगा दी, जिसके बाद अखिलेश के घर के बाहर ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमा होने लगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने घर के बाहर ही जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, लेकिन जेपी एनआईसी नहीं जा पाए। देर रात अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पहुंचे थे, वहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल अखिलेश यादव जब देर रात जेपी एनआईसी पहुंचे थे तो उनके पहुंचने के पहले ही गेट को बंद कर दिया गया था। उसके बाहर लोहे की चादर लगा दी गई थी। उसी चादर पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगवा दिया। अखिलेश ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि यह है भाजपा राज में आजादी का दिखावटी अमृतकाल, श्रद्धांजलि ना दे पाए जनता, इसलिए उठा दी गई दीवार। भाजपा ने जो रास्ता बंद किया है वो उनकी बंद सोच का प्रतीक। हालांकि बाद में प्रशासन ने उस नारे को रंग से रंगा और मिटवा दिया। इसके बाद सपा प्रमुख के आवास के बाहर पुलिस बढ़ा दी। दूसरी ओर लखनऊ में सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने खुद को जंजीरों में बांधकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी सेंटर में लगी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने सभी सपा के बड़े नेताओं को बुलाया और उसके बाद अपने घर के बाहर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा रखकर उनका माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव के समर्थन में सपा नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ वहां जुटी हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।